हर मतलब एवरी डे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डीमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है, हाँ, कंटिन्यूअसली नहीं अगर होता। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है, तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डीमोटिवेशन कभी नहीं होता, तो उसको इलाज की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे, आपको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमज़ोर को देखेंगे, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा, डीमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे। जिस दिन खराब आएंगे, डीमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं, उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डीमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एन्जॉय कीजिए उसको, और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच कह रहा हूँ, ये सुनी आपने, वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे, हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया, और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नज़र नहीं आता, जो नहीं है वो नज़र आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डीमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एन्जॉय कीजिए।